सिंधड़ी सेवन शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर चल बुलया चलो थे चली जिथे सारे ने ना कोई साड़ी साथ पछाने ना कोई साड़ी साथ पछाने ना कोई सानू मन्ने चलो थे चलिए। नाज़रीन शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन आप लोगों ने सुना होगा कि हीरा पहले होता है बाद में उसे तराशा जाता है, और इस वक्त मेरे साथ तीन हीरे मौजूद हैं जो कि पहले से हीरे थे बाद में उन्हें तराशा गया, और किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है हम जानते हैं इन तीन प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट डोली सिस्टर्स तीन बहनों से। तो आइए चलते हैं आपको भी इनकी जर्नी सुनवाते हैं और खुद भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप तीनों कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले, अच्छा मैं ज़रा क्यूरियस हूँ, मुझे ये बताएं कि पहले नंबर पे कौन है? ये है, ये है। दूसरे नंबर पे ये आप ही? हाँ मैं छोटी हूँ। छोटी होने के वजह से कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हाँ सबकी फेवर मेरे साथ। आप जैसे बता रही हैं ना, मुझे लग रहा है सारे फ़ायदे आपको ही हैं। हाँ बिल्कुल, सारी फेवर मेरे साथ ही है। लाडला अलग होता है? हाँ लाडला अलग होता है, मर्जी के कपड़े पहनो, मर्जी के खाने खाओ, इंजॉय करो, जो मर्जी करो, हाँ सबको प्यार। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जर्नी का स्टार्ट वो कैसे किया? पाकिस्तान टेलीविज़न से आज से 17 साल पहले हम लोगों ने आगाज़ किया। आप 17 साल पहले आपने बचपन से आप कर रहे हैं, लेकिन आपने जो प्रॉपरली वो किया, हाँ बाकायदा, वो आपने 17 साल पहले की। 17 साल पहले क्या आपको ये पता था कि आप इस मुकाम पे होंगी? सोचा था कभी डोली सिस्टर? पता था, गोल सेट किए हुए हों तो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं और आप पहुँच जाते हैं। उसके 2 साल बाद फिर हमने रेडियो ज्वाइन कर लिया, रेडियो पाकिस्तान पे भी 15 साल हो गए काम करते हुए। इसी तरह हम लोग कंपनीज के साथ दूसरे शहरों में भी जाते रहे। PNC इस्लामाबाद हम लोगों को तौकीर नासिर साहब ने इनवाइट किया, और उसके बाद प्रेस क्लब PNCA मुल्तान में, सारे निजी चैनल्स पर भी, तो ऐसे ही अलमरा में परफॉर्मेंसेस काम चलता रहा। आपने जो इतना, एक तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि इनकी आवाज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे यानी कि नाज़रीन को पता है कि कितनी प्यारी माशाल्लाह से इनकी आवाज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, स्टूडेंट और शागिर्द, यहाँ पे शागिर्द कौन है वो बताएं? सभी शागिर्द हैं जी। आप शागिर्द हैं, आपका टीचर कौन था? उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान साहब, पटियाला घराना। अच्छा उनके बारे में कुछ बताएं कि आपने मतलब देखें कितनी मतलब आला नाज़रीन शागिर्दी आप लोगों की है उनके पास, इसके बारे में बताएं कुछ। बस जी उस्ताद आला हैं वो, इसलिए हम शागिर्द आला हैं। शुक्र है अल्लाह का कि वो जब भी हमें सुनते हैं, हम कोई चीज़ माजरत से उनको अगर सुना रहे होते हैं तो वो खुश हो रहे होते हैं, सुन के पसंद करते हैं वो। अच्छा उन्होंने सबसे ज़्यादा उनको क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? सारी चीज़ें ना मतलब जिसको वो कहते सुन के ये मुझे बड़ा मज़ा आता है तुम लोगों से। जो बात उनको सबसे ज़्यादा हमें पसंद है वो यही कि एक रख रखाव वाला एक अदब वाला घराना है। दूसरी बात ये कि उनको ये मतलब बात पसंद है कि हम लोग पैशनेट हैं, अदब करते हैं। फिर आई एम सूफी सिंगर प्लस होस्ट, तो हमारा स्पीच स्टाइल भी उनको बहुत पसंद है, ये अल्लाह का करम है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और गाने में हम जो भी उनके सामने गा रहे हों वो बस इतना गा रहे होते हैं कि कंप्लीट गाना चाहिए, जो भी गाए वो कंप्लीट गाए, धुन जो बनी हुई है उसको मारे ना कोई, और हम वो नहीं करते, खुश होते हैं। हम नहीं करते तो वो फिर खुश होते हैं, हम जो भी गाए वो खुशी होते हैं, बाकी इसमें तो कोई भी शक नहीं है। अच्छा नाज़रीन हम इससे पहले आगे मज़ीद बात करें, मैं चाह रही हूँ स्टार्ट में ही कुछ सुन लिया जाए, क्योंकि आप लोगों का मुझे नहीं पता लेकिन मैं जो है ना वो सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रही हूँ। तो आप क्या सुनाना पहले पसंद करेंगे? मायरा खान की शादी पर हमने एक सॉन्ग उस्ताद जी ने ही गवाया था। हाँ उस्ताद जी ने, गोस टू रुस्तम फतेह अली खान साहब, उस्ताद जी उस्ताद मोहतरम, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। मान जवानियाँ जीवे बनरी, उम्र हजारियाँ जीवे बनरी, तेरी मेहंदी तो मैं वारियाँ नी, तेरी मेहंदी तो मैं वारियाँ नी, मैं दीवाली तो बलहारियाँ जीवे बनरी।
आपकी जो है ना बहुत ही प्यारी आवाज़, और बंदा जब सुन रहा होता है ना बीच में खो जाता है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती हूँ कि मैंने अच्छा इनका नंबर सेव किया हुआ ना, तो मुझे ना अक्सर वो इतने प्यारे प्यारे इनके वॉइस मैसेज आ रहे होते हैं, इतने ज़्यादा मज़े का मुझे मतलब सुनने में ना इतना मज़ा आ रहा होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टीचर के बारे में तो आपने बता दिया, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप तीनों भी नहीं रही अब। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तीनों में से सबसे बड़ी आप हैं, तो आपका इन दोनों में आपने भी कुछ सिखाया होगा, ज़ाहिर है जो बड़ी बहन होती है उसकी चलती है ये पक्की बात है, तो क्या करती हैं आप ये बताएं। अल्लाह करे मेरे कभी चल जाए। उन्होंने मेरा सवाल ही ख़त्म कर दिया। हाँ लेकिन नहीं, मैं इनको बचपन से जिसको कहते हैं ना कि जो बड़ा होता है थोड़ा सा तो ज़्यादा ही सीखा होगा ना, तो मैं इनको गाइड करती हूँ और ये माशाल्लाह से सीखते हैं, ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मैं समझती हूँ मुझसे ज़्यादा अच्छी सिंगर है, मुझसे ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है। मुझे मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप सेकेंड नंबर में हैं, मुझे ये जानना चाह रही हूँ मैं कि आप लोगों ने काफ़ी, आप लोग 17 साल से भी ज़्यादा की मेहनत है बचपन से आप लोग ये कर रहे हैं, तो फैमिली में किसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा थी? बड़े भाई की, बड़े भाई तनवीर इकबाल हाशमी साहब, वो हमारे साथ ही होते हैं, हम कहीं भी अकेले नहीं जाते, वो हमारे साथ होते हैं। शुरू में तो खैर अब्बा बिल्कुल नहीं मान रहे थे, तो अब्बा क्योंकि लिखते हैं हम दो ना सूफियाना कलाम सैयद सफ़दर इकबाल हाशमी मेरे वाले साहब का नाम, तो अम्मी ने फिर उनसे कहा कि चांद देबू तुसी लिख दे हो पंजाबी में ना, तुसी लिख दे हो सरकार दियां नातां, तो क्या ही अच्छा होए कि तुहाड़ियां बेटियां, क्योंकि औलाद वालदैन दा आईना हुंदी है, तो अम्मी कहन लग, अम्मी ने कहा कि जे तुहाड़ियां बेटियां तुहाडे लिखे हुए कलाम पढ़न और सरकार दे रोज़े नाल आवाज़ टकराए साडी, तो की मंजर होएगा। बस वो अब्बू ने सुना और अब्बू आपदी दा हो गया और इमोशनल हो गए, तो टची हो गया माहौल सारा, तो फिर मान गए, फिर अब्बा हमारे साथ आए, फर्स्ट टाइम अब्बा और बड़े भाई हमारे साथ, मैं और आप ही थी तब, तो ये बिल्कुल छोटी थी, तो मैं और आप ही थी, हम दोनों के साथ अब्बा बहुत दफ़ा अब्बू हमारे साथ हुआ करते थे। इनफैक्ट मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, होस्टिंग मैंने बहुत सारी जगहों पे की हुई हैं, तो एक सबसे बड़ा प्रोग्राम था क्लासिक की मौसीकी का, तो वो मैं जब होस्ट कर रही थी जिस दिन, तो बाबा साथ गए थे, उनको बड़ा शौक था कि वो अपनी औलाद को कामयाब देखें। माँ बाप की सिर्फ थोड़ी ना एक वो टेंशन इस वजह से होती है कि माशरा क्या कहेगा, बेटियां हैं ये है वो है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपनी बेटियों को कामयाब नहीं देखना चाहते। हमारे बाबा की फिर हमारे साथ बड़ी मोहब्बत रही। सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कब आया, सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में से? परफॉर्मेंस का तकरीबन हर जगह पे, हाँ PTV पे मेरी जुगन आपी के पास, जुगन आपी के पास बड़ा मज़ा आया प्रोग्राम करने का। वहाँ पे आपने क्या मतलब सुनाया था? हमने 3 कलाम रिकॉर्ड किए थे, हैं तो पुराने हैं लेकिन उनको हमने रीडू किया, और हाँ और ये पाकिस्तान टेलीविजन से ही मतलब रिकॉर्ड हुए हैं, और फिर वहीं फिर जारी से बात है ऑन ईयर जाने थे, सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहाँ पर परफॉर्म किया, और वो हमारा एक सूफी आइटम था जो सबसे ज़्यादा हिट जा रहा है, बाबा भोले शाह का। हाँ मैं अच्छा उस पे ही आने लगी थी, आप मुझे जरा थोड़ा सा कुछ लाइंस उसकी भी जरा दूँ। चल चल बुलाया, 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 चल होते चलिए, चल चल बुलाया, चल होते चलिए, चल बुलाया, चल होते चलिए, जित सारे ने, चल बुलाया, चल होते चलिए, जित सारे ने, ना कोई साड़ी साथ पछाड़े, ना कोई साड़ी साथ पछाड़े, ना कोई सानू मन्ने, चल होते चलिए, चल चल बुलाया, चल होते चलिए। बहुत ही प्यारी नाज़िन आवाज़ है, जैसे आप कहते हैं ना कानों में रस घोलने वाली, सही बोली मैंने लाइन? बिल्कुल बिल्कुल सही बोली है, बिल्कुल वैसी आवाज़ है इनकी। मुझे ये बताएं कि फैंस मोमेंट जो होता है वो कोई आपको याद हो?
बिल्कुल, अल्हम्ब्रा वगैरह में जब हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और परफॉर्मेंस के बाद जब वो एक नारा होता है ना वंस मोर, तो उसका बड़ा मजा आता है जब जब शोर। यूं तो हम लोगों ने बचपन से ही वो ये फैंस मोमेंट ये सारी चीज़ें बचपन से इंजॉय की हुई हैं, क्योंकि हम लोग नात पढ़ते थे बचपन से ही, और कॉम्पिटिशन्स भी सरकारी और गैर सरकारी हम लोगों ने विन किए। स्पीच में भी मैंने मतलब काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो विन किए, तो वो बचपन से ही हम लोगों ने देखा वो जा रही है वो जा रही है, तो वो बचपन से ही हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा अल्हम्ब्रा में ही आता है, क्योंकि वहाँ पे वो सामने जारी से बात है ऑडियंस इतने सारे होते हैं और सारे माशाल्लाह से आर्टिस्ट होते हैं, और वो आर्टिस्ट होने के बावजूद वो कह रहे होते हैं वंस मोर, तो उसका बहुत मज़ा आता है। कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई भी ऐसा आपका कुछ भी कोई ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो, जो आप चाहते हैं कि मैं ये भी करूँ? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशात तो भी बहुत सारी हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि अब तक उसने जितना अता किया है हम उसके लिए तहे दिल से मशकूर हैं उसके, मगर इतनी नेमतें हैं कि शुक्र अदा मतलब हम कर नहीं सकते, उसका हक नहीं अदा हो सकता। सूफी सिंगर्स नाज़िन मैं शुरू में भी सुना है, दरमियान में भी सुना है, जाते जाते भी मैंने सुना है कुछ ना कुछ, तो आप ज़रा सूफी सिंगर से हम आज प्रोग्राम की एंडिंग करवाते हैं और जाते जाते भी कुछ सुनते हैं। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी उछड़ा रोजा पीरा तेरा उछड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ वगे कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। इसी के साथ नाज़िन अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।